राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं। अब मैं आपको इस चैनल पर इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे आपसे एक भी रुपया नहीं लेने वाला हूँ और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस से भी एडवांस तक की ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा फॉरेक्स में। मैं मोस्टली गोल्ड और बिटकॉइन में करता हूँ, ठीक है, और इन्हीं में ही मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, जहां पर आप अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपके पास में एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, जहां पर आप ट्रेड करोगे। अगर आपके पास में अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप एक्सएम यूज कर सकते हैं। मैं खुद एक्सएम यूज करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से अपने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में फंड कैसे ऐड करना, अगर आपको अकाउंट ओपन करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है वो आपको बता दूंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फंड कैसे ऐड करना है, ठीक है, और फंड ऐड होने के बाद में मैं आपको कंटिन्यू वन बाई वन वीडियो लेके आऊंगा, जहां पर आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की एजुकेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो अभी चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सएम प्लेटफॉर्म में या एक्सएम ऐप में आप अपना फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले एक्सएम में फंड ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्सएम की एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक्सएम की एप्लीकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी एक्सएम की एप्लीकेशन है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी, अगर यहाँ पर आपका लॉगिन हो रखा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर राइट साइड आपको डिपॉजिट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिपॉजिट पे, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा लोड होके और यहाँ पे ये आपका फंडिंग से ऐसा आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको नीचे आना है और यहां पर एक यूपीआई का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, यहां पर ये बाकी यूपीआई अंडर मेंटेनेंस है। अगर इनमें से भी कोई अगर आपको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ये दिख रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यूपीआई। मैंने यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक किया, आपको पता है यूपीआई इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, अगर आप यहाँ से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल ऑथराइज पेमेंट होता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा आ रहा है मिनिमम 3000 INR, मतलब आप कम से कम 3000 डाल सकते हैं पैसा, और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 50,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ से कम 3000 रुपये डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 3000 रुपये डालता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3000 डालूंगा तो यहाँ पर मेरा $35.12 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतना डॉलर में जाएगा, और मैंने यहाँ पे 3000 रुपये यहाँ पे डाला है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आई डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैंने डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया, इसके बाद में थोड़ा सा ये लोड होगा, लोड होने के बाद में यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, और कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा लोड हो गए, उसके बाद में आपके सामने ये इस टाइप का खुल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लोड ले रहा है। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे आपको UPI ID दिख रहा है इसको आप कॉपी करके और अपने फोन पे या फिर गूगल पे जहाँ जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर जाके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप चाहे इसके अंदर से पेमेंट करो, चाहे आप UPI ID कॉपी करके और फोन पे में जाके पेमेंट करो, जब आपका फोन पे या गूगल पे से पेमेंट हो जाए तो वहाँ पर एक UTR नंबर होता है, ठीक है, वो आपको पेमेंट होने के बाद में जस्ट बाद में दिखता है, उस UTR नंबर को वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर डालना है ये वाले ऑप्शन पे आप डाल के, और फिर आपका यहाँ पे ये भुगतान पुष्टि के लिए क्लिक करें, जो है ना ये अभी आजकल हिंदी में भी आ रहा है क्योंकि हम भारत में काम करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, आपका पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर जो अभी मेरा $1 है, मैंने अपना फंड बाहर निकाल दिया था, अब मैं दोबारा से मैं भी डालूंगा तो यहाँ पर आपको फंड शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है, आपका पैसा कट जाता है या नहीं आता, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट रेयर केस में अगर कुछ होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी इशू रहेगा वो सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सएम में फंड कैसे ऐड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है ये भी बता दूंगा। अब जिनके पास में अकाउंट है वो अपना फंड ऐड कर लीजिए, और जिनके पास अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। थैंक यू।